अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि। तो दोस्तों, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अगर ऐसे में गर्मा गर्म टमाटो सूप मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाए। तो आज मैं बना रही हूं टमाटो सूप। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैंने लिए हैं यहाँ आधा किलो फ्रेश रेड टमाटर और हमने लिया है 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधा कप हमने प्याज कटी हुई ली है। यही कोई मीडियम साइज की प्याज, बहुत बारीक काट ली है मैंने। ये देखिए, बहुत बारीक बारीक चॉप की है। और 1 चम्मच लहसुन बारीक काट लिया है। 1 चम्मच ली है मैंने शक्कर और 1 चम्मच लिया है नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा कप ली है मैंने क्रीम और 1 बड़ा चम्मच लिया है मक्खन और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च मैंने थोड़ी दरदरी पीसी है ताकि वो उसमें थोड़ी दिखती हुई अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम टमाटर को ये इसका हिस्सा निकाल देंगे और इसकी हम प्योरी बना। तो टमाटर की हमने प्योरी बना ली है, अब हम इसको छान रहे हैं क्योंकि छानना जरूरी है। इसमें से जो बीज और छिलके थोड़े मोटे रह जाते हैं क्योंकि हमें टमाटर सूप चाहिए एकदम स्मूथ, तो इसलिए ये प्रोसेस करना जरूरी है। तो ये सारा हमने छान लिया है। ये देखिए, ये कितना मोटा मोटा है, ये हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। और ये हमारा प्योरी एकदम बारीक। चलिए इसको कर देते हैं साइड और एक पैन में तेल गरम कर लेते हैं। तो एक पैन हमने ले लिया है और अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच ऑयल, 1 बड़ा चम्मच। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं लहसुन और कटी हुई प्याज। थोड़ा भूनेंगे। प्याज हमने सॉफ्ट कर ली है, बस हल्का सा कलर चेंज किया है, इसको बहुत कम भूना है हमने। अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी ये प्योरी। इसको भी थोड़ा सा खंगाल कर डाल देते हैं। यही कोई 1 कप तक पानी मैंने इसमें डाला है क्योंकि अभी हमें इसे थोड़ा पकाना भी है। अब हम इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे गाढ़ा होने तक। तो उबाल आ चुका है, अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखिए, तो हमने 10 मिनट तक इसको पका लिया है, ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसमें डाल देंगे और साथ में बराबर चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बराबर चलाते रहना है, हमें रोकना नहीं है। और इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक, स्लो फ्लेम पर है अभी हमारा चूल्हा और स्लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। और हम डाल देंगे इसमें चीनी, नमक, काली मिर्च और इसको थोड़ा एक होने तक, मतलब ये सारी चीजें अच्छे से मिल जाएं और थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब तक चलाएंगे। ये देखिए, गाढ़ापन आने लगा है, थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, लेकिन अभी थोड़ा और गाढ़ा करेंगे हम इसे। तो सूप हमारा गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसको इसी स्टेज पर उतार लेते हैं क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो और ज्यादा गाढ़ा होगा। पर उससे पहले हम इसमें डाल देते हैं मक्खन और इसको पिघलने तक अच्छी तरह से मिला देते हैं इसमें। बस अब गैस कर देते हैं बंद और हमारा सूप एकदम रेडी है। अब इसको कर लेते हैं सर्व। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो गैस से हमने इसको उतार लिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं ये क्रीम। क्रीम अगर डालें तो गैस से उतारने के बाद ही डालें। अब इसको अच्छे से चलाएं और गरम गरम सर्व करें। अगर आप लोगों को लगता है कि सूप का कलर ख़राब हो गया है क्रीम डालने के बाद, तो क्रीम ना डालें, तभी डालें जब बाउल में सर्व करें। तो एंजॉय कीजिए टमाटो सूप गर्मा गर्म। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर।